दोस्तों नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक के इस कथा परिचर्चा में मैं पंखुरी सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हैं शशांक जी, चितरंजन जी, राजीव रंजन गिरी जी जो यात्रा में हैं, जुड़े हैं। हम आभारी हैं अपने सभी अतिथियों के, वक्ताओं के और जन सरोकार मंच के। यह कथा परिचर्चा दो कहानियों को लेकर कहानी के मूल तत्वों के बारे में भी बात करेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक सीरीज में करें और कई कहानियों को लेकर करें। तो कुछ एक बातें हैं कहानी के बारे में जो अमूमन पढ़ते हुए हम शायद नहीं सोच पाते, नहीं हमारे जेहन में आती। हम उसको आज कल जब कहानी पढ़ते हैं तो इन बातों को शायद नजरअंदाज करते हैं या नहीं भी करते होंगे, लेकिन फिर भी कोई हर्ज नहीं कि हम इन पर जरा सी बात कर लें। कहानी है क्या? कहानी क्या है? हमें बचपन से कहानियां सुनाई गई और हम ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में हम ये सुनते हैं कि सुनाने के लिए कहानियां सुनाई जाती हैं। केवल लोरी नहीं, हमारे में लोरी है, लेकिन कहानियां सुनाने का रिवाज जो है पश्चिम में सोने के वक्त की, भाई टेल मी अ स्टोरी एंड पुट मी टू स्लीप। तो आजकल जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो जगाने के लिए भी है, हालांकि हम उनको पढ़ते हैं सोते वक्त, है ना। बहुत सी किताबें सोते वक्त हम पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें ऑनलाइन आजकल हम सोते वक्त पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो जागते वक्त भी हमारे जहन में होती हैं। और कहानी जो है उसमें पाठकीय आनंद और रोचकता क्या एक चीज है, अलग चीज है कहानी की संप्रेषण शक्ति के आकलन से, ये कुछ बातें हैं। अमूमन हम कहानी को पढ़ते हुए इन व्याकरण की कसौटियों का, कहानी की संरचना, कहानी के तत्व, मूल तत्व, उसकी मूल संवेदना इत्यादि इत्यादि, उसका ढांचा, उसका शिल्प इत्यादि, भाषा उसकी कम बात कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम कहानियों को इस तरह से देखें। ये मेरे लिए भी एक नया अंदाज होगा, नई कोशिश होगी कहानियों को और बेहतर समझने की, उनके उन तक गहराई तक पहुंचने की और ज्यादा लुत्फ के साथ उनको पढ़ने की। समझ हम जाते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे कहानियां ऐसी, मैंने कोई नहीं पढ़ी है बहुत लंबे समय में जो समझ ना आई हो। तो बहरहाल मैंने बहुत लंबा परिचय दे दिया हमारी इस गोष्ठी के ही बारे में। मुझे मिलवाना चाहिए आपको अपने अतिथियों से। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं और ये कहना चाहूंगी कि आज की जो मेरी कहानियां हैं वो मेरी ही है, और तकनीकी रूप से यहाँ होना चाहिए एक संचालक को अगर कहानियां मेरी हैं, लेकिन इस बीच इतना हुआ है कि हम सामने की चीज को नहीं देख पाते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये अपनी ही कहानी से शुरू करें और फिर बाद में हम जाएंगे और कहानियों तक जाएंगे। हमारे आसपास बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी जा रही हैं दोस्तों, बेहद दिलचस्प, सबकी बातें करेंगे। तो फिलहाल हमारे अतिथि वक्ताओं का परिचय, हालांकि दोनों में से कोई परिचय के मोहताज नहीं है। शशांक जी तो बहुत वरिष्ठ आलोचक भी हैं और कथाकार भी हैं, इनके तीन कथा संग्रह हैं, और गिरोह का ब्रह्म भोज जो, मतलब मैं इनको हमेशा अपनी कहानियों के लिए आमंत्रित इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ये कैंपस कथा और परिसर परिकथा जैसी चीजें भी लिखते हैं, और अभी मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन अगली कुछ किश्तों के भीतर हम इनकी कहानी लेकर भी हाजिर होंगे। और ये कहानी जो है आज की मेरी पहली, ये भी कैंपस से जुड़ी हुई है, और चूंकि आगे मैं इस पे और लिखने की योजना बना रही हूँ, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है क्योंकि मैं अकादमिक राजनीति में बहुत ज्यादा खींची गई हूँ दोस्तों। तो और आप प्राध्यापक है बल्कि HOD है उत्तराखंड में विश्वविद्यालय में, और चितरंजन जी मेरे अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहुत चर्चित महाविद्यालय ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं, और बहुत बढ़िया इनकी पकड़ है कहानियों पर, चर्चित समीक्षक आलोचक हैं। और आप इनको सुनेंगे और आप समझेंगे
आज की आलोचना, आज की समीक्षा को कितनी ज्यादा ऐसी आवाजों की जरूरत है। मैं बहुत संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरी तैयारी भी कहें कि अधूरी है, लेकिन हम सुनेंगे। तो सबसे पहले चित्रंजन जी, मैं आप ही को आमंत्रित करती हूँ। राजीव जी चूंकि नहीं है, तो मैंने अभी उनको, राजीव रंजन गिरी जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब उनको जानते हैं। उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान की भी किसी पत्रिका का संपादन किया है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर वो आज नहीं होंगे हमारे साथ तो फिर कभी और होंगे दोस्तों, इसलिए जरा भी निराश ना होइएगा। लेकिन ये है कि वो यात्रा में है और उन्होंने कहा कि हम बाद में जुड़ते हैं, तो हम उनका परिचय भी विस्तृत बाद में देंगे। चित्रंजन जी से मेरी बातें होती रहती हैं इतनी ज्यादा तमाम कहानियों पर, और इनका विस्तृत परिचय आगे के लिए मैं सुरक्षित रखती हूँ। चित्रंजन जी, सबसे पहले मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप पहले इस कहानी पर टिप्पणी करें। ये जो धन्यवाद कहानी है फनपुरी जी। हत्या जी, किशनाथ का सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद है पंकुरी जी। कहानी से गुजरते हुए या कहानी का शीर्षक देखते हुए हम यह समझते हैं कि कहानी बहुत आसान होगी, सरल होगी। लगभग हम उस वायवीय दुनिया में पहुंचते हैं जहां एक राजा एक रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। वहां से चलकर हम जिस आधुनिकता बोध और तमाम तरह के तकनीकी मायाजाल में प्रवेश कर गए हैं, वहां ऐसी कहानियां धड़ल्ले से आ रही हैं। लेकिन उसमें भी हत्या की शिनाख्त पंकुरी सिन्हा की एक ऐसी कहानी से रूबरू होने का मौका मिला, और इस कहानी से गुजरते हुए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ और दूसरे से तीसरे में जब जाते हैं तो कथाकार ने कथानक को बुनते हुए नैरेटिव को जिस तरह से विसाया है, जिस तरह से उसका विस्तार किया है, तो कथानक में एक कथा के भीतर कब दूसरी कथा प्रवेश कर जाती है, कब तीसरी कथा प्रवेश कर जाती है, या कहिए एक ही कथानक के इतने सेट्स आते हैं, इतने फ्लैप्स आते हैं, इतने रंग आते हैं, इतने तरह के मामले उभर जाते हैं कि कहानी अपने आप में बिल्कुल प्रयोग धर्मी कहानियों के एक अक्ष के रूप में, एक आकार के रूप में, एक क्या कहिए, नोट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हिंदी साहित्य में जो शोधार्थी होते हैं, जब हम लोग पीएचडी में रिसर्च मेथडलॉजी की चर्चा करते हैं, तो ऐसी कहानियों को उनको पढ़वाना भी चाहिए कि अब आप इस कहानी को पढ़कर बताइए कि इस कहानी में या इस तरह की कहानियों में क्या कुछ आप पाते हैं। एक मानसिक दबाव भी देती है ऐसी कहानियां, और अधिगम के रास्तों की तलाश करने को मजबूर भी करती है। कहानी बहुत सरल है, आप कथानक से जुड़ते हैं तो स्ट्रेस जरूर पड़ता है कि आखिर हम जाएं कहां, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जाएं, अल्बर्टा में जाएं जो जगह का नाम है कनाडा का एक, रूपम में जाएं या मीरा या मैं में जाएं, दोनों एक ही हैं, मीरा को फिर मैं के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वहां पहचान, देश, स्त्री हिंसा, और सबसे आश्चर्यजनक जिसे न जाने कितनी कहानियों में दिखाया गया और वो छूट गया मामला है, लेकिन इस कहानी में सपने और महत्वाकांक्षा पर बड़ी बेजोड़ पकड़ या उसकी बड़ी अनोखी व्याख्या करती हैं, बल्कि इसकी मैं आगे भी चर्चा करूंगा। और मध्य वर्ग से भी कहानी किस तरह से जुड़ जाती है, मैं कहानी भी खोल कर बैठा हूं, तो कहानी के आखिरी में, जिस मध्यवर्गीय चेतना की मैं बात कर रहा हूं, तो कहानी के आखिरी में रास्ते पर, घर के रास्ते जो पूछे जाते हैं वहां पे हत्या, और बिल्कुल घर के सामने एक्सीडेंट में हो रही हत्या, ये कहानी की इतने सामान्य ध्रुवीकरण या इतने सामान्य घटनाएं हैं जो हमें कहानी को बहुत उलझाव से निकालकर यथार्थ की धरातल पर ले आते हैं। आप कहानी से गुजरते हुए, जहां एक पंक्ति लेखिका ने दिया है, मैं अपने सपने नहीं देखती,
सपने महत्वाकांक्षा से अलग होते हैं। ये ऐसी पंक्तियां हैं कि हमें यह उस दुनिया में ले जाती हैं जहां पे हमें यह लगता है कि यह कहानी किसी सपने की चर्चा होगी। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं तो फिर यह लगता है कि किसी एक्सीडेंट की घटना पर आधारित हो। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने के उपक्रम से यह कहानी जुड़ती है। फिर लगता है कि इसमें कुछ होगा, लेकिन यह कहानी जहां से चली है वो बिल्कुल एक रेखीय कहानी है। और यहाँ पे जितने भी एंगल, चूंकि ये बहुत विविध आयामी, एक आयाम नहीं है इस कहानी के, कई कोण, कई स्लॉट्स, कई दिशाओं में ये कहानी जाती है। और बार बार हम, मुझे लगता है कि ये हत्या कहीं उनकी तो नहीं है, इनकी तो नहीं है, किनकी है, लेकिन ये हत्या बहुत सामान्य है। और ये तो मैं जोर दे के कहना चाहूंगा कि इस कहानी का शीर्षक हत्या की शिनाख्त के बजाय हत्या का बयान भी हो सकता था। एक लेखिका ने बड़ी मजबूत शक्ल में और ऐसी कहानी को इतने आसान तरीके से रख दिया है कि आप हत्या जो रोज हो रही है उसका एक मैनिफेस्टो है, ये दस्तावेजीकरण है। और ऐसी कहानियों से गुजरते हुए, ऐसी कहानियों का जब हम पाठ करते हैं तो एक सामान्य पाठक यह सोच सकता है कि इन कहानियों के क्या उद्देश्य था, क्या औचित्य था। लेकिन इसके नैरेटिव में जिस तरह से स्पेस दिया गया है, जगह छोड़ी गई है कि आप अपने मानसिक स्थिति को भरिए। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को भरिएगा, अपने अधिगम के औजार को, उसके तकनीक को भरिएगा, तो शायद कथा साहित्य और समृद्ध होने की संभावना है। आप देखिए, कुछ दूसरे कहानियों से अगर आप तुलना करेंगे, कुछ पीछे की कहानियां, कुछ आगे की कहानियां, तो इसमें जो जहां पे डिटेलिंग हो सकती थी, कहानी में डिटेलिंग की जा सकती थी, लेकिन पंखुरी सिन्हा ने कहानी में डिटेलिंग के बजाय उन्होंने पैचिंग की है, ऐसी चीजों को डाला है जो कंटेम्प्ररी है, समसामायिक है, वो हमारे मन स्थिति के लिए एक कच्ची सामग्री देती हैं, जहां पर हम रूपम को या रूपा को हंसते हुए भी देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, और फिर वो कहानी किस तरह से प्रेम प्रसंग के रूप में सामने आती है, और प्रेम प्रसंग से होते हुए वो जो उसमें सहायता करने वाले लोग होते हैं वहां भी पहुंचती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कहानी के प्रारंभ का अंत से मेल कैसे होगा, लेकिन मेल बहुत आसान भी है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, विस्तारीकरण में जाएंगे, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि कोई भी कथाकार एक बनी बनाई परंपरा का अगर फॉलो अप करेगा तो वो कहानी कहीं रुक जाएगी। जैसे एक कहानी में तुलना कर रहा हूं, हालांकि इस कहानी से उस कहानी का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी है कठपुतलियां। उस कहानी को आप पढ़िएगा तो बार बार लगेगा कि सुगना का आखिर होगा क्या, सुगना कहां जाएगी, उसकी दूसरी शादी है। यहां पे आप देखिएगा तो हत्या हम लोग पूरी कहानी में खोजते हैं कि हत्या है कहां, लेकिन हत्या इस कहानी के साथ चल रही है और बार बार वो बयान कर रही है कि जो क्लासमेट, जो रूममेट है मीरा की, उसकी हत्या या उसका जो मतलब खो गई है, सुसाइड कर लिया है, वो किस तरह से कहानी में बिखराव के साथ नहीं बल्कि वो हंट के साथ, वो पूरे दबाव के साथ ये बतला रही है कि कहानी में किस तरह से रोज जो है मौत आमो फहम है और इसे हम पकड़ करके नहीं रख सकते हैं। ये बहुत देखी जाने वाली चीज है और इस ओर हमारा सत्ता का और प्रशासन की कितनी नजरें हैं और सबसे अधिक मानविकी संकाय का, ह्यूमैनिटीज, जो हमारे अंदर मनुष्य होने के गुण हैं, उनका कितना ऑरा इसमें शामिल है कि हम ऐसी हत्याओं को जो रोज मर रहे हैं, एड्रेस पता पूछते हुए, किसी के घर के सामने जाते हुए संवेदनात्मक रूप से और जीवन के व्यक्तिगत कष्ट से,
ये कैसे महसूस कर रहे हैं और हम इसको नजरअंदाज करते हैं अपने देश दुनिया समाज में, जब गौर से हम उसको रीड करेंगे, उसको देखेंगे तो ऐसी हत्याएं हम महसूस तो करते हैं लेकिन वो अव्यक्त रह जाती है। पंखुरी सिन्हा ने उसको व्यक्त करने का प्रयास ही नहीं किया है बल्कि एक मुकम्मल रेखा खींची है। वो कई जगह पे, कई, मैं बार बार कह रहा हूं कि कहानी में कई सेट्स हैं। जैसे इन्होंने एक जगह लिखा है कि यूनिवर्सिटी का मतलब सिर्फ राजनीति, और फिर कहानी के एक एक पंक्ति को लेकर आप अगर विमर्श करेंगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा विमर्श होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इसमें शिक्षा भी है, शिक्षाई नीतियां भी हैं और स्त्री विमर्श के भी रास्ते हैं। जो लेबोरेटरी में जल रही है, दुपट्टा जल रहा है और जले का निशान है, कई एंगल हैं और इस पे एक लंबा विमर्श एक एक पंक्ति पे हो सकता है। इसलिए ऐसी कहानियों की समझ या ऐसी कहानियों पर शोधार्थियों के द्वारा शोध, उनके रिसर्च मेथडोलॉजी के शायद नए आयाम तय करेंगे कि उनकी परिकल्पना जहां तक जा सकती है, कहां तक जा रही है, और वो परिकल्पना नए आयाम को खोजने में सफल है या नहीं है। ऐसी कहानियों को एक प्रयोगधर्मी कहानी भी कहा जा सकता है कि कथानक में मिलना नहीं है, बिछड़ना नहीं है, लेकिन जिंदगी के दांस तां रेसा रेसा व्यक्त होना है। ये जुदाई का सिनेरियो नहीं है, किसी के अलग होने का सिनेरियो नहीं है, लूट और हत्या की घटना नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द। एक बहुत लंबा व्याख्यान इन्होंने अंग्रेजी के कथाकारों का भी दिया है और उनकी अगर व्याख्या की जाए, अगर अंग्रेजी जो कवि हैं उनकी व्याख्या की जाए तो फिर वो एक अलग मामला है, लेकिन वो कहानी से संबद्ध है, उसमें डिटेलिंग्स के पुट हैं, वहां से खोज करके अगर हम कहानी को जोड़ेंगे तो कहानी का और रंग जो है वो और भी चटक हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा। और मैं उतना समय नहीं ले रहा हूं कि मैं यह कनेक्ट कर सकूं कि जो श्रेया सहगल हैं वो किस तरह से कहानी को कनेक्ट करती हैं। वो कहानी को कनेक्ट करती हैं रूपम के माध्यम से और उसकी सहेली मीरा के माध्यम से, वो फ्लैशबैक में जा रही हैं और वहां से जुड़ करके उस शिक्षाई नीतियों के विमर्श का भी रास्ता खुलता है कि एक विद्यार्थी के शिक्षा में डूबने का भी मामला है, वहां भी हत्या हो रही है। शिक्षाई नीतियों में जिस तरह से मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बार बार जिस तरह से सरकार की योजनाएं बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, वो हत्या है, शिक्षा की हत्या है, उस मासूमियत की हत्या है जिसमें हम नई पौध को जन्म देने का सौगंध लिए थे। हमारे पाठ्य पुस्तकों से करबला जैसी कहानियों का लोप है, हम क्यों नहीं उस पर चर्चा करते हैं? हमारी सांस्कृतिक धरोहर का मामला है। और मैं अनगिनत ऐसे बिंदुओं को इसमें महसूस करता हूं इस कहानी में कि आप किसी एक एंगल पे चर्चा कर ज्यादा करेंगे तो दूसरा एंगल छूट जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कहानी बहुआयामी है, इसके एक एक पैराग्राफ अपने आप में एक नए विमर्श के द्वार खोलते हैं। और ये जो द्वार खुलना है कि स्वप्न में यह लगता है कि मारा जा रहा है और फिर अचानक से जाग जाना है, तो हमारे स्वप्न भी जो हैं अब वो अच्छे स्वप्न नहीं आ रहे हैं, हमारे स्वप्न भी ऐसे स्वप्न आ रहे हैं जो दुरूह हैं, जो कष्टकर हैं, और उस स्वप्न में भी हम इतने अधिक यथार्थ में डूब जाते हैं, इतने अधिक क्रूर रियलिटीज में डूब जाते हैं कि उससे बाहर निकलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बार बार ये स्वप्न की चर्चा करती हैं, दुः स्वप्न और अच्छे स्वप्न की, तो ये डरावने जो चित्र हैं यह बतलाते हैं एक कथाकार के कि बदलते हुई दुनिया में कैसे हम रोज जो हमारे इर्द गिर्द हत्याएं हो रही हैं उसकी शिनाख्त भला कौन करेगा, और उसकी शिनाख्त कर भी ले जाए तो परिणाम क्या होगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये
खोज तो जैसा मुझे बहुत कम लगता है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक दस्तावेजीकरण है कि लीजिए इतनी हत्याएं हो गई हैं उसका बयान। तो मेरा मेरी ओर से इस कहानी को हार्दिक बधाई है, बिल्कुल प्रयोगधर्मी कहानी है, एक मानसिक कसरत है। वही पाठक इस कहानी के एंगल को पकड़ सकता है जिसके अंदर कहानी के पूर्वाग्रह से मुक्त होने की क्षमता बरकरार हो, जिसने यह धारणा बना ली हो कि कहानी का मतलब यह होगा यह होगा यह होगा, ऐसा नहीं है। कहानी का मतलब वह होगा जहां से कोई भी बात, किसी भी बिंदु से कोई भी दास्तां शुरू की जा सकती है। जहां आप छोड़ रहे हैं वहीं से एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, और जहां आप समाप्त कर रहे हैं अगला कथाकार वहीं से एक नई बात शुरू करेगा, और वह बात अपनी त्रासदी में इतना पक्का होगा कि खुद ब खुद नैरेटिव से जुड़ेगा। जैसे इस कहानी में हम देखते हैं त्रासदी है, और वो त्रासदी अपने कथानक में, अपने नैरेटिव में बिल्कुल बिखरता नहीं है, बल्कि एक संदेश देता है कि हम दिन रात हो रहे हत्याओं को केवल और केवल अभिव्यक्ति के डर से बचे रहना चाहते हैं। सब कुछ परोसा जा रहा है, जैसे इसमें भी होता है। वो रूपा जब आती हैं, मीरा जब आती हैं, उनको मध्यवर्गीय परिवार में जिस तरह से विवाह का मामला होता है, स्वीकार है, सब मंजूर है, वहां भी हत्याएं हो रही हैं। आप कितने बिंदु विमर्श कीजिएगा, पहचान की हत्या हो रही है, देश, स्त्री हिंसा, एसिड अटैक का मामला है, शिक्षाई नीतियों का मामला है, इसके बाद मध्यवर्गीय चेतना है, स्त्री स्वायत्तता स्वतंत्रता का मामला है, ये तमाम चीजें, अवैध ये भी एक मामला है कथा में। ये भी एक बड़ा एंगल पंखुरी जी ने डाला है कि जिसको हम लीगल लव और अवैध प्रेम कहते हैं, ये जस्टिफाई कौन करेगा? उन्होंने इस पे बयान दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बयान है, स्टेटमेंट है, और अपने आप में बहुत मजबूत स्टेटमेंट है। मैं लगता कुछ ज्यादा बोल गया, चूंकि समय निर्धारित नहीं है, तो इस कहानी पे एक ऐसा विमर्श भी रखा जाना चाहिए, मैं चाहूंगा यह रखा जाना चाहिए कि इसके एक एक वाक्य पे चर्चा होगी। इस कहानी में जितने वाक्य हैं वह खुद ब खुद एक विमर्श की मांग करते हैं, लेकिन तत्काल मैं अपनी अभिव्यक्ति इतने बिंदुओं पर ही दूंगा। पता नहीं कितना टाइम स्लॉट था मेरे लिए, मैं बोलता गया और लगता है 10 मिनट से ज्यादा बोल गया हूं। तो फिलहाल मेरी ओर से कथाकार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। इसलिए भी बधाई है कि इनकी कथाएं मुझे लगभग 2000 ईस्वी से ही प्रभावित करती रही हैं, और बहुत मेहनत से और बहुत श्रम करके ये लिखती हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं जरा ताली भी बजा दूं, तो मैं बजा रही हूं। मैंने कहा ना कि संचालक नहीं है, मैं खुद संचालक की भूमिका में हूं, और मैं बतौर रचनाकार भी बहुत कुछ कहना चाहती हूं, थोड़ा बहुत अंत में। लेकिन हालांकि इतना बढ़िया कहा गया कि अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी। और पिछली बार जब इस कहानी बस लगे हाथ जरा सी बात, इससे पहले कि मैं शशांक जी को आमंत्रित करूं, कि ऐसी चर्चा हुई थी कि कहानी के बारे में कुछ कहना ही एक प्रकार से बेकार था, तो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ कह पाऊं, और लेकिन अगर कोई और ही कह दे बहुत बढ़िया, तो फिर हमें क्या जरूरत है कहने की। जैसा कि दिव्या माथुर जी कहती हैं कि रचनाकार को कहना ही ना पड़े तो कितना अच्छा। तो मेरे लिए फिलहाल एक बहुत ही सार्थक और गदगद हो जाने वाला लम्हा है, और जिसका कतई अर्थ नहीं होता है कि ना तो इसमें जो डिटेलिंग नहीं है वो आगे नहीं की जाएगी, और इसका ये कतई अर्थ नहीं होता है कि आगे नहीं लिखा जाएगा। तो ये है कि एक रचनाकार को अगर कोड़े मार कर ना लिखवाया जाए, और अगर उसकी रचना को पढ़कर और जरा प्यार के दो बोल बोल कर लिखवाया जाए, तो कितनी इनायत हो। ये बातें हो रही हैं हमारे बहुत आदरणीय सुधी जनों से, जो हमारे मित्र हैं, जो हमें सुने देखें और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, और जिनसे हमें लगातार संवाद की उम्मीद है। एक बात, मैं ये यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स जब हो रही है, और देवेंद्र जी से मैं गुजारिश करने वाली हूँ, अलग से करूंगी,
एक वो मुझे आमंत्रित कर रहे थे बातचीत के लिए। मैं उनसे गुजारिश आगे यह करूंगी कि एक अलग से मेरी बातचीत आप करवाएं। मेरे मैंने हंस के एक जलसे में मुझे राजेंद्र यादव जी ने बुलाया था और भाषण देने को अमेरिका पे कहा था। ये मेरे देश निकाले का साल था और उस भाषण को लेकर मैंने जो बात कही मुझे लगता है कि उसका बहुत बतंगड़ बन गया है। तो मैं उस बात का खुलासा करना चाहूंगी। वह कई रूपों में मेरे पास आता है। ये विषयांतर इसलिए नहीं है सर क्योंकि इस ये कहानी भी वहां पहुंचती है और कैसे इसके स्क्रिप्ट में इसके इसके जो इसका जो कथानक है इसका जो नैरेटिव है या जो भी हम कहें उसमें ये बात बुनी गई है। मतलब मैंने अपने हिसाब से और मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा था कि एक लड़की जो ऐसा लगता है कि नींद में बोलती है, ऐसा लगता है कि कुछ समस्या है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो लड़की अपने रूममेट का ध्यान आकर्षित करती है और फिर उसके उस नींद में बोलने से, और यूं भी वह हमनाम है उसकी जिसने खुदकुशी कर ली, अब तो सब बोल चुके वो कथा से हम परिचित है, लेकिन मैंने इसको कैसे वो किया, और फिर उस लड़की की याद आती है और कई बार हमें हत्याएं आत्महत्याएं अपनी पूरी कथा नहीं बताती। कोशिश ये भी है कि हम उसको और जान समझ सके, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है और मैं किसी के निजी में बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रही बतौर रचनाकार, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उसको ये करते हुए और फिर उसके बारे में सोचते हुए सोना एक दूसरे स्वप्न को जन्म देता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ना रचनाकार को श्रम करना पड़ा है और ना समझने में इसमें कोई वो हो सकता है। लेकिन पिछली बार जब ये बात हुई तो बहुत ज्यादा हुआ कि समझ की कुछ बात हो रही थी। बहरहाल बात इसलिए हम मतलब इसकी कर रहे हैं कि हम समग्रता में एक चर्चा करना चाहते हैं, सभी लोगों से जुड़ने की हमारी कोशिश है दोस्तों, इसलिए मेरी अदनी सी वही कोशिश है। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा लम्हा था। मैं क्या बताऊं आपको कि मेरी कहानी का बढ़िया मूल्यांकन हुआ, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और लेकिन मतलब मेरी धुक धुक कायम है और मैं अब आमंत्रित करती हूँ शशांक जी को इस कहानी पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद पंखुरी जी, जन सरोकार के इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पहले तो चित्रंजन जी को उनकी सहृदय समीक्षा के लिए बहुत बधाई, धन्यवाद। उन्होंने बड़े सहृदयता पूर्वक इस पे बात रखी कहानी पर। पंखुरी जी, इसी कहानी पर चर्चा करनी है, हत्या एक शिनाख्त पर। जी, मैं चाह रही हूँ कि हम इस कार्यक्रम को मतलब अगर दो तरहों से दो भागों में बांटे, पहले इस पर करें और फिर दूसरी पर करें। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हम इसी पर आज करते हुए एक घंटा पूरा कर लें मान लीजिए, तो हम फिर उसको दूसरे दिन भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर जितना विस्तार पूर्वक कहना चाहें कहें। बहुत से विस्तार के पहलू तो चित्रंजन जी ने कहानी के बताए कि कहानी चूंकि उस कहानी पर जाने से पहले थोड़ी सी बातें आज की कहानी के सरोकार और मूड पर थोड़ी सी करना जरूरी है, क्योंकि हम जब पुरानी कहानियां पढ़ते थे देखते थे तो उसमें ये जरूर था कि कहानीकार किसी अनुभूति को या किसी घटना को पकड़ने की एक बड़ी प्रतिबद्ध निगाह रखता था कि कहानी को यहाँ समाप्त करना है, इस घटना को या एक अनुभूति को पकड़ना है और उसके इर्द गिर्द जैसे ओ हेनरी की कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं, अंत कहां तक ले जाए। और वो आधुनिक ढंग का एक शिल्प हुआ करता था कि अंत को बड़ा अच्छे ढंग से निपटाना है, ले जाना है, या पाठकों को कहीं ले जाना है एक किसी निष्कर्ष के तले। या जब 40-50 के दौर की कहानियां आई तो वहां निष्कर्ष की उतनी जद्दोजहद तो नहीं थी, लेकिन एक संकेत छोड़ जरूर देना है कि वहां पाठक पहुंच जाए सीधे सीधे। आज की कहानियां, खास तौर से 21वीं सदी की कहानियां
पाठक को कहीं ले जाने की किसी दावे से बिल्कुल अलग एक चौराहे पर ले जाकर छोड़ देने की कोशिश है, जहां पर पाठक अपने रास्ते अपने उस कहानी के माध्यम से भी अलग ढंग से जा सकता है। थोड़ा सा संकेत या थोड़ा सा क्या विस्तार से संकेत चितरंजन जी ने किया कि कहानी को हम अगर बने बनाए फार्मूले से ढांचे से बिंदुओं से देखना चाहें तो शायद कहीं तक पहुंचना मुश्किल होगा। कहानी में एक हत्या भी होती है, आत्महत्या है, और हत्या जैसी है आत्महत्या है, जैसे ये कहा गया कि होरी मरा नहीं मारा गया, उसी प्रकार से रूपम मरी नहीं, उसकी व्यवस्थाएं इस तरह की हमारी सामाजिक जटिलताएं थी जिसमें वो आत्महत्या करती है, और कुछ और हत्याएं होती हैं, लेकिन जो उसकी पात्रा है, जो उसकी लेखिका है, मतलब कहानी की जो पात्रा है मीरा, उसको लगता है कि शायद वो आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती। और इस एक हत्या के बहाने ये पूरे सामाजिक ढांचे को प्रश्नांकित करती हुई कहानी है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे आसपास हैं, और फिर लेखिका के देश लौटने के बाद 3 हत्याएं और होती हैं अमेरिका में, जैसा कि अंतिम पैरा में उसका संकेत है कि 3 हत्याएं और हो रही हैं। तो ये एक अपना परिवेश है, लेकिन कहानी चितरंजन जी ने साफ संकेत किया और मैं उससे सहमत हूं कि कहानी कई धरातल की ओर अलग अलग ले जाती है, और लेखिका ने उसको संकेत कर करके उसकी डिटेलिंग में नहीं गई है, बस उस परिवेश में, चूंकि आज का जो पूरा हमारा सामाजिक जीवन है, साहित्यिक जीवन भी कह सकते हैं, सामाजिक जीवन भी कह सकते हैं, कि हम एक साथ कई प्रभावों में जीते हैं। लेखिका के लिए उसकी टीचर कहती है कि तुम अच्छी स्कॉलर हो, वो उसकी स्मृति में कैद है, अंग्रेजी से PhD करना चाहती है किड्स पर, उसका टीचर एड्स पर करना चाहता है, एक विश्वविद्यालय का अपना परिवेश है, वो कहानी वहाँ भी स्वतंत्र रूप से विस्तार की मांग करती, लेकिन वो कहानी चूंकि अतीत और वर्तमान के बीच आवाजाही कर रही है, लेखिका के मन मस्तिष्क पर पड़े रूपम का भी वो जो पुराना स्मृति है जिसमें वो बहुत खूबसूरत है और सहेलियाँ उसके उसके रूप के लिए खिस्तानी करती हैं, उसका मतलब हास्य परिहास करती हैं, वहां से लेकर यहाँ तक कहानी बीच के जद्दोजहद में चलती है। इस पूरे उत्तर आधुनिकता के दौर में और इस पूरे कहानी के विमर्श में एक चीज और बड़ी साफ हुई है कि हम घटनाओं से ज्यादा घटनाओं के प्रभाव में जीते हैं, घटनाएं हमारे जीवन में कम घटती हैं। आधुनिकता में घटनाएं बहुत होती थी, और लेकिन उत्तर आधुनिकता में घटनाएं कम हैं, प्रभाव ज्यादा है, और ये शायद इस पूरे कहानी के शिल्प पर भी कहीं ना कहीं आती हैं चीजें, लागू होती हैं। एक समय में आधुनिक अगर किसी साहित्य समीक्षक से बात करिए तो वो कहता था कि डिटेलिंग पर बहुत फोकस था, बहुत बल था, कि हाँ एक एक बात एक एक चीजों का विस्तार करना, जैसे शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है तो एक शतरंज कैसे रखा जाएगा, पोशाक कैसी होगी, हुक्का कैसे रखे जाएंगे, एक एक चीज की डिटेलिंग, और एक घटना वहां होगी उसी के इर्द गिर्द पूरी, जैसे प्रेमचंद भी कहते हैं कि एक घटना एक अनुभूति एक मार्मिकंस। लेकिन अब उत्तर आधुनिक दौर की कहानियों का जो शिल्प है वो बड़ी तेजी से बदला भी है, अब एक अनुभूति नहीं है, घटनाएं तो भले एक हो सकती हैं लेकिन उसके प्रभाव के स्तर पे अनुभूति के ढेर सारे स्तर हैं जो बड़ी तेजी से उत्तर आधुनिकता में कहते हैं ना कि जब केंद्र बहुत तेजी से अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, तो वो केंद्र आप सत्ता के विमर्श के केंद्र भी कह सकते हैं, प्लॉट का केंद्र भी कह सकते हैं, पाठ लेखिका की अनुभूति का केंद्र भी कह सकते हैं, पाठक की अपनी अनुभूति का केंद्र भी कह सकते हैं। कहानी अभी रूपम पे आ रही थी, नींद में आती है, लेखिका को मीरा को लगता है कि कोई गला दबा रहा है, फिर वो सपना देखती है, चीजें बहुत तेजी से, मतलब वो जो विचलन है अनुभूति का जो विचलन है, बड़ी तेजी से चीजें घटनाओं के इधर से उधर बदलती रहती हैं। ये इस पूरे दौर की जो हमारी जैसे हम भंगिमाओं में जीने के अभ्यासी हैं, हम हमारे पास स्थायी भाव कम बचे हैं, हम महा जैसे उत्तर आधुनिकता में हम कहते हैं कि महावृत्तांत कांत हो गया है, ग्रैंड नैरेटिव खत्म हो गए हैं, और हम भंगिमाओं में छोटे छोटे अपने अनुभूति के प्रकाश में या अपनी छोटी जो हमारे
पास का जो परिवेश है उसके प्रभाव में हम ज्यादा जीते हैं और वो शायद हमारे हमको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारे जीवन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की बड़ी घटनाएं हमको शायद कम प्रभावित कर रही हैं, हमारे आसपास का जो अपना परिवेश है हमको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हम प्रभाव में बहुत जी रहे हैं। तो ये कहानी जो हत्या एक शिनाख्त कहानी है ये भी कुछ इसी तरह के ढेर सारे अलग अलग विमर्श की मांग करती है, जैसे शिक्षा का एक विमर्श है। क्योंकि शिक्षा पर मैं इधर लगातार कुछ वर्षों से शिक्षा विमर्श को लेकर काम कर रहा हूँ, विश्वविद्यालयों को लेकर खास तौर से, ये कहानी विश्वविद्यालयों के उस तंत्र को भी थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा संकेत करके पंखुरी जी ने उस परिवेश को टच कर दिया है, उसकी डिटेलिंग की ओर नहीं जाती क्योंकि ये पूरी कहानी एक मनोगत प्रभाव की दृष्टि से उसी ढंग से के शिल्प में लिखी गई कहानी है। और भी कुछ बहुत चीजें इसमें गहराई पूर्वक हैं, जैसे एक चितरंजन जी की इस बात से भी मैं सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि इसकी एक एक पंक्तियों पर बात हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मुझे तलाक के लिए गाड़ी अभी तक नहीं मिली, एक वाक्य, और इसकी डिटेलिंग नहीं है कहानी, हो सकता था इसकी डिटेलिंग हो सकती थी कहानी में, और जो नायिका है उसके विवाह के संबंध है या उसके जो तलाक की जो अवस्था है उसको लेकर भी थोड़ी डिटेलिंग हो सकती थी, लेकिन कहानी वहां भी शांत है या वहां पर शायद वो संकेत करके ही मैंने कहा ना कि ये चूंकि घटनाएं यहाँ कम हैं और घटनाएं हैं तो अतीत में हैं और उसके ढेर सारे प्रभाव हैं और वो प्रभाव एक मनोदशा को उन्होंने जन्म दे दिया है और उसी मनोदशाओं में ये कहानी कनाडा अमेरिका और फिर देश के लौटने की इस बीच के आवाजाही के बीच में ये कहानी निर्मित हुई है। और इसी तरह के ढेर सारे संकेत हैं जो जिस पर आपने बात की, चितरंजन जी ने ढेर सारी बात की, और एक कुछ पंक्तियां बस मैं पढ़ना चाह रहा था कि जब कहानी के अंत में कि नंबर कम थे रिपीट करना पड़ा, मैंने शहर छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने विषय छोड़ दिया, अब और क्या बचा है छोड़ने को, कुछ एक साल बाद की दूसरी पढ़ाई, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरी नौकरी के बाद मैंने प्रेमी के साथ यह देश छोड़ दिया। तो ये जो बदलना है या छोड़ना है बार बार कि और ये एक उत्तर आधुनिक मूड भी है शायद उसकी ओर कहानीकार ने अपनी ओर से टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुविकल्पी जीवन में बहुत ज़्यादा रमते जा रहे हैं या उसमें विश्वास करते जा रहे हैं कि एक जगह से हम मिसफिट होकर दूसरी जगह की जाने की हमारी जो अपनी कोशिश होती है वो भी एक हमारे साथ है, हमारे अवचेतन पर, चेतन पर, इसका भी ये पूरा युग है और इस युग का प्रभाव इस कहानी पर भी आप देख सकते हैं। प्रेमी के साथ देश छोड़ देना, वहाँ की स्थिति, वहाँ की तलाक की स्थिति, यहाँ पर कहानीकार ने अपने ढंग से, लेकिन इस ये एक हुआ, ये एक आलोचक की दृष्टि से बात हुई, एक पाठक की दृष्टि से या एक स्त्री अनुभूत की दृष्टि से, विमर्श की दृष्टि से ये था कि एक स्त्री के अपने संघर्ष, उसके उस शिक्षा के लिए अल्बर्टा कनाडा जाना, वहाँ संघर्ष करना, लौटना, ये भी एक है जो उसको अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ या उसके रूममेट की बात, ये एक अलग धारा जो कहानी में चल रही थी उसकी भी वानगी कहानी में दिखती है। तो ये कहानी जो है मतलब इसके अलग अलग रूप हैं और उन अलग अलग रूपों को अगर आप एक में पिरोकर एक मुकम्मल एक कहानी का प्लॉट बनाना चाहेंगे तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि एक सीधे सीधे ढंग से जैसे बड़े ही मनोरंजक ढंग से चितरंजन जी ने कहा कि एक था राजा एक थी रानी वाले पैटर्न में इस कहानी को अगर हम पढ़ेंगे वो पढ़ा भी नहीं जा सकता, वो सामंती दौर की आख्यायिका प्रधान कहानियों का वो टेक्निक हुआ करती थी,
इसमें कौतूहल विस्मय हुआ करते थे। उत्तर आधुनिकता में इस तरह के पैटर्न हो भी नहीं सकते हैं, इसीलिए अलग अलग कहानियां हैं और जो एक साथ आकर मिल जाते हैं प्रभाव के स्तर पर, विवरण के स्तर पर, लेखिका के माध्यम से, एक केंद्रीय सूत्र के माध्यम से, ये सारे कुछ एक जगह कॉमन रूप में एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और सभी अपने अपने ढंग से इसको संयोजित करते हैं। तो ये कुछ बातें जो मुझे समझ में आई कि और भी बहुत से कुछ विवरण थे, जैसे चीनी लैंडलॉर्ड का विवरण, वहाँ पर अलग अलग खाने पकाने का विवरण, वो भी अपने ढंग से है, जो कि कहानी के प्लॉट में अपने ढंग से लेखिका के मन मस्तिष्क की अपनी विवेचना करता है। उसके एक और बात जो हो सकती थी कि कहानियों के जो पात्रों की संख्या है, वो उनकी कहानियों में, पंखुरी जी की कहानियों में पात्र बहुत कम होते हैं। जैसे एक पूरी कहानी में, लंबी कहानी भी हो तो 3-4 पात्र मुश्किल ब मुश्किल होते हैं, बहुत पात्र नहीं होते। बाजार भी होगा तो बाजार में बहुत दुकानदारों के चित्र, ठेले वाले के चित्र, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने नहीं दिया। ये कहानी जैसे नहर के किनारे बर्फ जमी हुई नदी थी, अक्टूबर का महीना था, इस तरह के संकेत तो इन्होंने किया, लेकिन उस पूरे बाजार का दृश्य या उस तरह से कहानी नहीं चलती है। ये कहानी उस पूरे परिवेश को, एक व्यक्ति के मनोचेतना पर पड़े प्रभाव को लेकर कहानी चलती है, और ये कहानीकार की अपनी शैली हो सकती है या अपने ढंग से उसका विवेचन हो सकता है। कि जैसे प्रेमचंद होते तो वो जरूर, या उदय प्रकाश होते तो दूसरे ढंग से बात करते, वो फिर अल्बर्टा की एक एक लाइन पे एक एक दुकानदार और उसकी बात करने लगते और उस पे समाज की भी बात बहुत ज़्यादा करने लगते। तो हर कहानी की अपनी तासीर होती है, अपनी टेस्ट होता है, अपना रिदम होता है, अपने और लेखन की अपनी शैली होती है। तो खासतौर से स्त्री लेखिकाओं के संदर्भ में अगर कुछ बात करें, मैं इसे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सामान्यकरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अनुभूति और व्यक्तिक अनुभूति का प्रकाश या व्यक्तिक अनुभूति की जिरह उनमें ज़्यादा होती है पुरुष रचनाकारों से। ये मैं कोई तुलनात्मक रूप से बात नहीं करना चाहता यहाँ पर, और उसके लिए कोई स्पेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी पंखुरी जी की कहानियों में पात्रों की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत सीमित पात्र यहाँ भी हैं। कुछ रूममेट हैं, कुछ लैंडलॉर्ड वाले के कुछ पात्र हैं जो उनका जिक्र किया गया है, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, लेकिन मूल रूप से 2-3 पात्र इस पूरी कहानी में अगर आप देखें, 2-3 पात्र हैं। जो नायिका है यानी मीरा है या मैं है, उसको लेकर उसके मनोजगत में साथ साथ चलने वाले पात्र हैं। तो ये कम पात्रों के माध्यम से शायद घटनाओं के प्रभाव को विवेचित करने की शैली हो सकती है। ज़्यादा पात्र होते तो शायद उन पात्रों के संग न्याय करने की भी एक दिक्कत होती है, कि एक लेखक हर पात्र के साथ, हर पात्र को अपना अपनी अनुभूति दे, अपनी संवेदना दे, अपना प्रकाश दे, या हर पात्र के साथ उतनी ही सिंपैथी क्रिएट करे, तो शायद मुश्किल होता है। तो एक ये हो सकता है कि इस धरातल पर कम पात्रों को रखने का एक अपना अपनी कोशिश हो सकती है लेखिका की। तो इन आवाजाही के बीच में, कि जिसमें अतीत भी है, कॉलेज के दिन भी हैं, कॉलेज के अपने पुराने दिन हैं, इतिहास की शिक्षिका के वो स्मरण भी हैं, स्मृतियां भी हैं, और उस स्मृतियों से लेकर, अब एक और चीज़ जो मुझे कहनी थी और मैं भूल ना जाऊँ इसलिए अभी कह दे रहा हूँ, कि पहले की जो कहानियाँ होती थी उसमें अतीत बहुत केंद्रीय रूप में उपस्थित हुआ करता है। मतलब कोई घटना हो गई है और उसकी जो अनुभूति हुई है उसी अनुभूति के प्रभाव या प्रकाश में कोई कहानी लिखी जा रही है। आज की जो कहानियां हैं वो वर्तमान और भविष्य की आवाजाही में लिखी जाती हैं। अतीत यहाँ है, बार बार स्मृतियों में अतीत आता है, लेकिन कहानी पूरी तरह से वर्तमान केंद्रित कहानी, और अगर थोड़ी बहुत संकेत है तो भविष्य को लेकर और वर्तमान के बीच में। अतीत यहाँ एक फ्लैशबैक की तरह आता है बीच बीच में, लेकिन मूल रूप से कहानी वर्तमान और भविष्य की आवाजाही के बीच चलती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन सब के बीच में ये पूरी कहानी रचित हुई है। और कुछ जो दमित पाठ हैं इस कहानी के, जैसे कि वह हिंदुस्तानी लड़की
जिसका मेरा और उसका ईश्वर एक ही था, साझा ईश्वर था। कुछ पलायन की समस्या है, कुछ प्रवासी जीवन की अपनी समस्याएं हैं, विदेश में जाकर जीवन की अपनी जद्दोजहद है, वो कुछ उसकी भी डिटेलिंग नहीं है, उसका बस प्रभाव है। अगर आप पाठक के रूप में उसे महसूस कर सकते हैं तो वो आपकी अपनी संवेदना के ऊपर है, अपने अनुभूति के ऊपर है कि आपको कहानी कुछ कहानी के आप उसे दमित पाठ कह सकते हैं जिसका विस्तार नहीं है। और जब दमित पाठ हम कहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि उसका विस्तार आपको करना है। और ये उत्तर आधुनिक शिल्प में ये कहा भी जाता है कि पाठक अपने हिसाब से कहानियों का विस्तार कर सकता है, उसे और थोड़ा आगे ले जा सकता है, थोड़ा दूर तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ बातें जो मुझे कहनी थी खासतौर से इस कहानी पर। और चूंकि चित्रंजन जी ने थोड़ा विस्तार से बहुत सी चीजें कह दी हैं, इसलिए मैं उस चीजों को उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो मेरी दृष्टि में कहानी के अपनी जैसे दूसरी कहानियों से ये कहानी थोड़ी सी अलग मुझे लगी, जैसे इनकी दूसरी कहानियों पे जिस पे बात हो सकती थी उससे ये कहानी थोड़ी सी अलग थी। और अलग हर कहानी को होना चाहिए, जिसमें तथ्य भले एक हो सकता है लेकिन हर कहानी अपने ढंग से अलग हो तो वही उसकी खूबसूरती भी होती है। तो इस ढंग से ये जो हत्या एक शिनाख्त कहानी है ये इस रूप में भी है, सांकेतिक ढंग की कहानी है कि हत्या की कोई शिनाख्त नहीं है पूरी कहानी में, कोई उसकी खोजबीन नहीं है कि हत्या हुई है या नहीं, लेकिन हत्या के जो परिवेश हैं या हत्यारों का जो पूरा आसपास का पूरा तंत्र है उसकी ओर लेख्या ने एक संकेत किया है, फिर जिसमें स्त्रियों के लिए, प्रवासियों के लिए या एक आम व्यक्ति के लिए किस तरह से स्पेस निचुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, उसको लेकर बात हुई है। और छोटी छोटी बातें हुई हैं इसमें कि गोरे का एक जिक्र आया है कि गोरे के अवैध प्रेम में फंस गई और फंसा लिया गया, पुरुष कितना जल्दी नियोत लेते हैं, एक लाइन आई है कहानी में। और तो एक तरह से ये जो पुरुषों के ऊपर की जो टिप्पणियां हैं और स्त्री विमर्श की दृष्टि से एक एक पंक्ति ये भी विमर्श खड़ा करती है, लेकिन वहां भी डिटेलिंग नहीं है। कुछ पंक्तियां हैं, 3-4 पंक्तियां कि पुरुष कितना जल्दी नियोत लेते हैं और हर शुक्रवार को किसको किसको मैं किसका किसका आमंत्रण स्वीकार करूं और क्या। तो इस तरह की ढेर सारी चीजें जो पंक्ति दर पंक्ति आती है कहानी में, और वो एक अपने ढंग से जैसे कई विमर्श अलग अलग ढंग से कहानी में सिमट गए हों, आ गए हों, और जिसको एक जगह लाना लेखिका ने करके उस पूरे परिवेश की सृष्टि की। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि ये कहानी इस ढंग से भी देखी जानी चाहिए कि ढेर सारे अपने विमर्श, अपने दमित पाठ, ढेर सारे दमित पाठ हैं इस कहानी में। तो उत्तर आधुनिकता में दमित पाठ होते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें ढेर सारे दमित पाठ हों, पाठक चाहे तो उसको अपने ढंग से ग्रहण करे। अगर स्त्रीवादी ढंग से स्त्री पाठ तैयार करना हो तो स्त्री पाठ तैयार करें, पुरुष पाठ तैयार करना हो तो पुरुष पाठ तैयार करें, अगर इसको राष्ट्रवादी पाठ तैयार करना हो तो राष्ट्रवादी पाठ तैयार करें, प्रवासी पाठ तैयार करना हो तो प्रवासी पाठ तैयार करें, शिक्षा विमर्श के पाठ तैयार करना हो तो शिक्षा विमर्श के पाठ तैयार करें, ढेर सारे अपने अपने पाठ हो सकते हैं। तो ये यही उत्तर आधुनिक दौर की कहानियों की खूबसूरती होती है कि ढेर सारे दमित पाठ कहानी छोड़ जाती है। तो मुझे इस रूप में इस कहानी पर कुछ बातें अपनी रखनी थी, और चित्रंजन जी को भी मैं इस बातचीत के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत से अन्य बिंदुओं को पहले ही छू लिया था, इससे मुझे बोलने में थोड़ी आसानी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप दोनों को। शशांक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया आपने कहा, मुझे सीखने का भी मौका मिला। और आप दोनों को आश्वस्त करते हुए ये मैं कहना चाहूंगी कि इस बात पर आगे ध्यान दिया जाएगा कि जो डिटेलिंग छूटी है वो उसको उसकी भरपाई की जाए किसी भी कथा रचना के शिल्प में आगे से। लेकिन फिर भी बतौर कथाकार और एक सवाल के रूप में आप इसको स्वीकारिए, जिसको हम आगे भी फिर डिस्कस कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हर कथा की अपनी एक संरचना होती है, उसका एक अपना अंदाजे बयां होता है,
तो इसमें कई बातें जिनको आपने अभी गिनाया, इंगित भी किया, चितरंजन जी ने भी चर्चा की। चितरंजन जी जल्दी सोने वालों में से हैं और जल्दी जागने वालों में से है। ये छोटे शहर का चरित्र है, बहुत ही खूबसूरत। मेरी माँ बहुत देर पहले सो चुकी, तो ये और वो 5 बजे लगभग जाग जाती हैं और हम लोगों को अलार्म लगाकर जागना होता है और हम निशाचर हो गए, पता नहीं किस, मेरी माँ के शब्दों में, निशाचरी सभ्यता में। तो खैर, निशाचरी माया ठहरी है ना, माया जाल में बहुत लोग फंसते हैं। बहरहाल, दो एक बातें जल्दी जल्दी, बहुत सी बातें हैं मैं भी कह सकती हूँ, और मतलब वाकई आपने मेरी कहानी को धन्य किया, बतौर रचनाकार मैं भी धन्य हुई। दो एक बातें कि ये जो बात है ना कि तलाक की गाड़ी नहीं मिली है और इसकी डिटेलिंग नहीं है, तो ये एक सूचना की तरह आई है। तो क्या कथा में अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो उसकी बहुत डिटेलिंग जरूरी है, और मतलब जो नैरेटर है उसकी दृष्टि में वो डिटेलिंग इसी तरह से है कि बार बार उसको यह बात याद आती है, और यह बात कहानी में उपस्थित इसलिए है कि अल्बर्टा की तेज हवा उसको बस स्टॉप पर बहुत बर्फ मतलब उसकी हड्डियों को छेद रही है, तो उसकी स्मृति में वो है, उसकी स्मृति में वो है, और उससे वो निकल मतलब उसके वहां होने की कथा है और वहां से लौटने की। उसके वहां होने में जहां वह पहले थी, मुझे लगता है कि उसको बताना जरूरी है, इसलिए वो पूरा अमेरिकी प्रसंग आया। उसको बहुत संक्षेप में मैंने ये सब कुछ कहा है, और ये तो मतलब कुछ अर्थों में और कुछ तरहों से इसे हम आत्मकथात्मक कह सकते हैं, और अनेक तरहों से ये आत्मकथात्मक नहीं है। जैसे कि आपने बड़ी खूबसूरत पंक्तियां चुनी सर, शशांक जी आपने भी बहुत खूबसूरत चुनी है, यूनिवर्सिटी यानी राजनीति, लेकिन शशांक ने जिन आगे बाद में चुनी, मैंने वह शहर छोड़ दिया, मैंने वह विषय छोड़ दिया, बाद में मैंने अपने प्रेमी के साथ वह देश छोड़ दिया। तो ये बात जो है ये आत्मकथात्मक नहीं भी हो सकती है। मतलब ये कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि देश छोड़ने का निर्णय बिल्कुल मेरे प्रेमी का रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब बहुत ये चाहते हैं कि ये कथा आत्मकथात्मक है या नहीं, कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है, तो हम नहीं जानते इसमें से कुछ घटनाएं हमारे जीवन में हुई, लेकिन जो हमने ये पूरा जिसको मैं कहूंगी कि प्लॉट तैयार किया है, ये जिसे हम आजकल ऑटो फिक्शन कहते हैं, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के जितने मैं लेख पढ़ती हूँ उसमें ऑटो फिक्शन है। उसका अर्थ यही है कि हम अपने आसपास की जो वास्तविकता है उसको लेकर हम ऐसा ही कुछ बुन सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत जरूरी लगा कि मैं उस रूपम के बारे में भी लिखूं और इस रूपम के बारे में भी लिखूं। इनमें से किसी का नाम रूपम नहीं है, और मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो इस कथा का केंद्र है, बड़ी अच्छी बात है शशांक जी ने कुछ उत्तर आधुनिकता, आपसे गुजारिश है कि उस वाक्य को दोबारा रिपीट करें। कथा का केंद्र जो है वो मैं कहूंगी कि इस कथा का जो केंद्र है वह इन लोगों की, इन लड़कियों की जिंदगियों से ज्यादा ये एकेडमिक पॉलिटिक्स है। रूपम की कथा को भी दिखाने का मतलब मेरा वही है कि कहीं ना कहीं मुझे इस लड़की को लगता है कि इसके साथ भी जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर चल रहा है, ये भी जरूर कहीं ना कहीं परेशान है, और देखिए ना इसके साथ वो एक्सीडेंट भी हो गया, कहानी भी सुना रही है वगैरह वगैरह। फिर भी मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती करने का उसका मूड नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इतना एकाकी हो गए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एम्बियंस सोक करने वाले लोगों में हूँ, मुझे बाहर निकल के ना तो गूगल से नेविगेशन चलते हुए पसंद है, और ना ही बहुत ज्यादा दोनों में ईयरफोन लगाए हुए कान में लोग म्यूजिक सुनते हुए ऐसे चलते हैं विदेश में कि अगर आप दूर से भी चिल्लाए दौड़ते हुए एक्सक्यूज मी, तो बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे। तो कई मुझे ऐसा, मुझे लोगों से इस तरह से बात करना चूंकि पसंद है, तो मैं जाती हूँ और एकदम दूर से और उनके सामने जाकर मैं मुझे हाथ हिलाना होता है एक्सक्यूज मी, वो दोनों कानों से अपना निकालते हैं। तो एम्बियंस जो है उसको मुझे लगता है कि मैं
मेरी बतौर कथाकार दर्ज करने की इतनी ज्यादा कोशिश हो गई क्योंकि मैंने इतनी अनोखी चीजें देखी, इतने अनोखे कनेक्शंस देखे। जैसे ये मान लीजिए कि अगर सच्ची घटना हो कि एक रूममेट आपको ऐसी हमनाम मिल जाए, चित्रंजन जी इतनी बोरिंग नहीं है मेरी बातें, जरा सा तो आप ऐसा करें है ना कि ऐसा लगे कि आप मतलब आपको जिम्हाई नहीं आ रही, तो कोशिश ये है। मतलब बतौर रचनाकार जो मेरी कोशिशें हैं और जो जो बातें मुझे उद्वेलित करती रही उनको, और बहुत सी बातें मैं इसमें कहती जा सकती हूँ, समय सीमा पार है और गुजारिश है आप दोनों से करबद्ध प्रार्थना कि हम दूसरी कहानी के साथ हाजिर होंगे। मेरी आशा है कि राजीव जी भी उस दिन जुड़ेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह की कुछ बात हो रही थी, लेकिन लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात खत्म करें, दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो कि ये जो आंकड़ा है हमारी हिंदी कथा में, एक मिनट, आंकड़े से पहले कल राजीव जी ने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल किया। सवाल इसलिए अच्छा मैं कह रही हूँ क्योंकि वो एक जरूरी सवाल है अपने आप में। उन्होंने उस सवाल को रिपीट किया जो हमारे एक बहुत वरिष्ठ आलोचक हैं संजीव कुमार जी, जो आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। उनसे जब मैंने शुरू शुरू में कहा था कि मैं इस कहानी पर सर चर्चा करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये कहानी जो है इस पर आप क्यों बात करना चाहती हैं, ये बताइए कि मुझे ये कहानी उन्होंने तो बाद में कहा कि मुझे लगता है कि ये कहानी बनी नहीं। ये मैं पूरी तरह से उनका निजी ओपिनियन मानती हूँ, इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं कभी उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी, गुजारिश करूंगी कि वो इस कार्यक्रम में आए और हम कहानी के बनने न बनने पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी भी दृष्टि हो सकती है। बहरहाल वो बहुत वरिष्ठ आलोचक हैं, कथाकार भी हैं, इसलिए ये समझिए कि हम क्लासरूम में ही बैठे हैं। बहरहाल तो ऐसा है कि कल राजीव जी ने भी वही सवाल दोहराया और मैंने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम में आए, ये सवाल दोहराएं, हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर मुझे लगा कि मैं क्यों बार बार, उस वक्त मैंने संजीव जी से इतना ही कहा कि सर मेरी बहुत प्रिय कहानी, मुझे बहुत लगता है बार बार ये कहानी दस्तक देती है कि मतलब मैं जो इसका मर्म है वो पहुंचा सकूं उन तक जिनके लिए मैंने इसे लिखा। तो ऐसा है कि मैंने जवाब अंततः वही दिया जिसकी हम सब ने बात की अभी, कि मुझे लगता है कि ये प्रवासी संघर्ष की कथा है। हमारी कहानी दर कहानी अनंत अभिमन्यु से शुरू होकर प्रवासी संघर्ष की रही है, और हम अगर आज अपनी देशज शिक्षा व्यवस्था के जो संघर्ष हैं उसकी कहानी की बात करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, कहीं भी हो, उसके हजार एंगल हैं, उसके सवर्ण एंगल हैं, उसके दलित एंगल हैं। ये दलित शब्द भी जो है ना, ये कई बार न्याय नहीं करता है। बहरहाल मतलब रैगिंग इत्यादि ये एक अलग थीम है, इसलिए हम उस पे ना जाएं अभी, हम उस पे ना जाएं, वो एक अलग थीम है। लेकिन ये है कि ये कहानी मुझे लगता है कि चूंकि प्रवासी संघर्ष की है और फिलहाल जिस तरह से मुझे लगता है कि इसको रचा गया, हम उसको जरा एक बार पढ़े। तो मैं बहुत, मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत इम्पोर्टेंट जिसे कहेंगे, और बहुत ज्यादा सार्थक। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मैंने देखते देखते आपको सुनते सुनते बस यूट्यूब पे जरा सा टाइप किया और बस देखती रहती हूँ ये खबरें। मैं यूएस की खबर हर दिन देखती हूँ लगभग, और मैंने ये निकाला आंकड़ा। तो हम ये इन आंकड़ों को क्यों भूल जाते हैं कि हमें इनकी भी बात करनी चाहिए, क्यों हमें घसीटा जाता है? अच्छा, बड़ी उसके साथ बड़ी अदब, बड़ी विनम्रता के साथ सर शशांक जी मैंने लिखा है कि पुरुष कितनी आसानी से न्योत लेते हैं अपनी ओर, ये लिखा है, लेकिन कहानी में शायद ये पंक्ति नहीं है कि हर शुक्रवार, लेकिन ये स्थिति हो सकती है। और मुझ पर ये बहुत आरोप है कि भाई आपने ना नहीं कहा वगैरह, मैंने ना कहा है, मैं ना कहते कहते परेशान रहती हूँ। अगर आप एक सिंगल वो हैं, मैं इस पर बहुत, ये अभी हमारा भटकाव हो जाएगा, हम इस पर कभी अलग बात करते हैं,
मैं किन किस्मों के अनुभवों से गुजरती हूँ ये कहना मुश्किल है। और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई तो आपने उन पर लिखा क्यों नहीं, बिल्कुल लिखूंगी और कोशिश होती हो सकता है कि मुकम्मल ना था। और ये संग्रह से एक कविता निकाल कर ये कहना कि उसमें ये एक प्रेम कविता है और उसकी कविता नहीं है, उस हरासमेंट की जहाँ इसने होते की बात, इस पर मेरी है कविताएं, मैं ढूंढ कर निकालूंगी, वो एक अलग मुद्दा है। ये आज की भी स्थिति है, ये पहले की भी स्थिति थी, ये हमेशा होती है, ये पुरुष भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब ये केवल स्त्री विमर्श अब नहीं रहा, लेकिन मतलब हमें जो भी कुछ ऐसा कहना है बड़ी ईमानदारी के साथ कहना है और ये बड़े बड़े नाजुक मुद्दे होते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम इन इन ये जो बातें हैं इनको आज के समय में समझें और खामखा हम इनको वो ना करें। ये सबके लिए मैं कह रही हूँ कि हम इनका सरलीकरण बिल्कुल ना करें, ये बड़ी गंभीर बातें हो जाती हैं। और हमें आज अपनी जिंदगी में इतना कुछ चाहिए होता है कि हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारा जीवन साथी है, आप कहेंगे कि हम कहाँ पहुंच गए, लेकिन वो एक सवाल इसमें शादी का, तलाक का, शादी में आत्महत्या का, सब कुछ है, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग। तो बहरहाल इस तरह से ना करने वाली बात पर भी कि आप ना क्यों कर रही हैं वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहती थी बतौर रचनाकार। और मुझे लगता है कि अगर आप, मैं संचालक हूँ और मुझे ही अंतिम धन्यवाद ज्ञापन करना है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई कुछ और कहना चाहें मेरे कहने के बाद, तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शशांक जी, मुझे लगता है कि चित्रंजन जी तो आप तुम कहने के बिल्कुल मूड में नहीं। चित्रंजन जी ने माइक ऑन किया शायद कहना। जी कहिए कहिए, मैंने गलत समझा। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जी इस कहानी के विषय में बोलना कम है और समझना ज्यादा है, क्योंकि ये कहानी एक एक पंक्ति व्याख्या की मांग करती है। तो आप रात भर भी अगर ये कार्यक्रम चलेगा तो शायद छोटा ही पड़ जाएगा, क्योंकि बोला तो जा सकता है, क्योंकि ये तो पंक्ति लगे हाथ कर लो, मैं लगे हाथ एक दृष्टता कर ही लो सवाल है ना कि क्या इसे कहानी की कमजोरी माना जाए, नहीं माना जाए। नहीं, ये तो हम पहले ही अपनी बातचीत शुरू करने के पहले ही बताए थे कि प्रस्तुत कहानी जो है बिल्कुल एक नए तरह की कहानी है। तो जो भी कुछ हमारे देश, दुनिया, समाज, घर, परिवार, अगर आपके पास साहस है, योग्यता है, बौद्धिक स्तर है, तकनीक है, विमर्श के द्वार खुले हैं, तो ही आप पचा पाएंगे हत्या की शिनाख्त को। नहीं तो कहानी तैयार जैसा कुछ मामला तो है नहीं कि उसमें आप कड़ाही में डालेंगे, उसको लाल रंग होना चाहिए। ये तो मामला है कि आप पढ़ने के बाद जमीन से कितना उठा हुआ महसूस करते हैं। बड़ा बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका लंबा होना जरूरी है, कद काठी लंबा, अक्ष लंबा होना, मोटा होना जरूरी है, धनवान होना जरूरी है, कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा होने के लिए आप अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इस कहानी में भले ही पृष्ठ कम हो, भले ही इसके लेंथ की दृष्टि से कम हो, लेकिन गहराई की दृष्टि से मारक है। जैसे सर ने कहा, जो छोड़ने वाला उदाहरण पढ़ा वो उतना ही प्रांजल है, उतना ही सार्थक है। मैं सपना के उदाहरण को, मैं महत्वाकांक्षा से जो जुड़ा गया है उसको मैंने उठाया, मुझे वो हंटिंग लगा। कोई चौथा पढ़ेगा उसको यह लगेगा कि नहीं, विवाह वाला जो है उसको उठाना चाहिए। तो अलग अलग टेक्स्ट के लोग होंगे। बल्कि इसको तो हमें पहले, ये भी मैं बात कहा था कि ये विश्वविद्यालयों में जो शोधार्थी होते हैं उसके सामने ये कहानी देनी चाहिए कि चलो इसकी व्याख्या करो। जो एक व्याख्या करेगा और चालाक शिक्षक होंगे वो बोलेंगे अरे ये छोड़ दिए, और फिर जब दूसरी व्याख्या करेगा तो तीसरी फिर वो उद्धृत कर देंगे। यानी सत्ता जो है वो पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द, वो चेंज करता है, बदल जाता है,
मल्टी डायमेंशनल है और इतनी तेजी से बदलता है कि हम लोग जैसे 2020 का मैच देखते हैं कि 5 विकेट गिरने के बाद ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए इस कहानी पे आप प्रश्न खड़ा करती रहिए, वक्ता रात्रि जागरण कर वक्तव्य देती रहिए, तब भी इसका विमर्श का धागा रुकेगा नहीं, इसमें बहुत कुछ है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी शशांक जी, नहीं अभी कुछ कहना चाहते हैं और? लेकिन नहीं, बस हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, क्योंकि चीजें बोल चुके हैं जो कहना था मुझे, कि हर कहानी में अपनी कुछ संभावनाएं भी होती हैं। और जैसे मुक्तिबोध एक कविता के बाद उनकी हर कविता अधूरी रह जाती थी और वो कविता शायद अंधेरे में कविता पे जाके समाप्त होती है, या अंधेरे में भी अधूरी ही कविता है, लंबी कविता है, बावजूद मुझे अंधेरे में अधूरी कविता लगती है। तो ये कविता हो सकती है कि लघु उपन्यास के रूप में तब्दील हो जाए, ये कहानी हो सकता है लंबी कहानी के रूप में रूपांतरित हो जाए। तो एक जैसे लेखक होता है उसका कोई प्लॉट होता है, वो तो कई कहानियों में वो प्लॉट चलता रहता है। इसके सशक्त उदाहरण मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की कई कविताएं एक जैसी हैं, उनकी 17 अधूरी कहानियां हैं मुक्तिबोध की, और मुझे वो सारी अधूरी कहानियां पूर्ण लगती हैं, लेकिन वो सभी उन्होंने शीर्षक रखा है अधूरी कहानी 1, अधूरी कहानी 2, अधूरी कहानी 3, ऐसे 17 कहानियां मुक्तिबोध ने लिखी हैं और उसका उन्होंने शीर्षक ही है अधूरी कहानी। तो एक कहानी और ये साहित्य या कविता का जो शिल्प है या जो उसकी संभावनाएं हैं, वो हो सकता है कहानी दर कहानी वो आगे विस्तार भी करें, तो वो उसकी एक अपनी संभावनाएं होती हैं। तो इस ढंग से भी देखा जा सकता है कि इस कहानी की आपने कहा कि शायद डिटेलिंग हो सकती थी और जरूर हो सकती थी, ये मतलब अगर चाहती आप तो कर सकती थी, तो हो सकता है कि ये प्लॉट दूसरी कहानियों में आ जाए, तीसरी में आ जाए, या और दूसरे ढंग से आ जाए, प्रभाव के रूप में आ जाए, या कथ्य के अपने दूसरे ट्रीटमेंट के ढंग से आ जाए। तो चीजें इस तरह से भी साहित्य में चला करती हैं। तो बस इतना ही कहना था, बस। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत धन्यवाद। आज मैं लाजवाब हुई और मतलब निरुत्तर भी हुई, और अब फिलहाल हम इस पे बहुत से सवाल है, जैसा कि उन्होंने कहा चित्रंजन जी ने, हम करते रहेंगे बातें और कहानियों के साथ आते रहेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है देवेंद्र जी को, जन सरोकार मंच को, और धन्यवाद है आप सबको दोस्तों, और इंतजार है आप सबके आगे के सवालों और आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद।